हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी एच जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम पोको F5 5G में गाइस फ्री फायर मैक्स का टेस्ट करेंगे विथ लाइव FPS गाइस यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस बैटरी रन टेस्ट एंड हीटिंग टेस्ट करने वाले हैं। एंड गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी टेस्ट करेंगे। तो गाइस सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं डिटेल में, एंड इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाल दिया है, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइस देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो गाइस सबसे पहले टेम्परेचर मेज़र कर लें। तो फ़ोन का टेम्परेचर 34 है, अभी थोड़ा हमने यूज़ किया है, बाकी रूम टेम्परेचर 30 के अराउंड है। बाकी यहाँ पे सेटिंग में ले चल कर दिखा दूँ तो सारे ही सेटिंग्स यानी कि फुल्ली मैक्स कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे गाइस टाइम देख सकते हैं 10:04 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज 85 पे है। तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले ये कितना ड्रेन करता है। सो गाइस इस फ़ोन की स्पेक्स की बात कर लीजिए तो भाई यहाँ पे बहुत ही मस्त आपको डिस्प्ले बेजल लेस चिन लेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे गाइस 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड आउटडोर में भी आप मस्त यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट देखने को मिल जाता है। साथ ही इस यहाँ पे बात करते हैं इसके चार्जिंग एंड बैटरी के बारे में। सो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो देखेंगे बैटरी भी कितना ड्रेन करता है। वैसे इसका जल्दी ही फुल्ली बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग टेस्ट आने वाला है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वेट कीजिए। बाकी गाइस यहाँ पे आगे बात करते हैं हम परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस यहाँ पे मिलता है आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2, जो कि गाइस काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। एंड इसको आप स्नैपड्रैगन जो 8 सीरीज का आता है प्रोसेसर, उससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं लाइक 8+ Gen 1। तो गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस ये देता है ये मैं आपको बता दूँ। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड कर देता है। मतलब आपको फील नहीं होगा कि ये 7 सीरीज का प्रोसेसर है। वैसे आप लोगों का ये कहना होगा कि फ्री फायर क्या ही हैवी गेम है, बट गाइस एक्चुअल में अगर आप गेमिंग करते होंगे, प्ले करते होंगे, तो आपको पता चल जाता है कि कैसा स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो भाई उतना फ्री फायर में भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। लोग ऐसे बोल देते हैं मजाक में कि मेरे तो 2 GB वाले रैम में भी फ्री फायर चल जाता है या जो भी, लेकिन इस एक्चुअल में अगर आप लाइव टेस्ट करेंगे साइड बाई साइड तो आपको ईजिली एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी ये मैं नहीं कह रहा कि यही मतलब इसी गेम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं जल्दी इसका BGMI भी टेस्ट लाऊंगा एंड साथ ही फुली बैटरी रन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर और भी सेटिंग्स चेंज कर करके हम टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे और डिटेल में मालूम चल जाएगा। बाकी गाइस अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि बहुत ही सही प्रोवाइड कर रहा है। FPS की जहाँ तक बात रही तो 58 लास्ट जाता है, सबसे नीचे जाएगा तो 58, उसके बाद से 59 60, यही तीन पे मतलब रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ड्रॉप होता रहता है 58 to 60। यहाँ पे आप वैसे देख भी सकते हैं लाइव FPS, जैसे कि ग्रीन वाले में आपको दिख रहा होगा। सो बहुत ही अच्छा FPS भी प्रोवाइड कर देता है, गेमिंग में कोई भी जीटर देखने को नहीं मिलता है। एंड गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो चुके हैं इस फ़ोन को यूज़ करते हुए एंड एक भी बार ये फ़ोन जीटर नहीं किया, चाहे आप कितना भी गेमिंग कर लीजिए। मतलब मैंने ऑलमोस्ट इसमें 2-3 घंटे गेमिंग लगातार किया, उसके बावजूद भी भाई बैक करने के बाद काफ़ी सारे ऐसे Xiaomi के फ़ोन्स होते हैं जो थोड़ा सा फ़ोन हीट होते हैं उसके बाद से थोड़ा जीटर फील होते हैं 2-3 मिनट तक, उसके बाद फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर आते ही वो अच्छा हो जाता है। बट गाइस यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंगल जीटर भी मुझे नोटिस नहीं हुआ, तो बहुत ही सही ऑप्टिमाइज्ड है। बाकी गाइस यहाँ पे गेम प्ले थोड़ा देखिए, फिर आपसे मिलते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले टाइम पे, फिर बताते हैं। सो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। Double kill. First blood. Enemy spotted.
सो गाइस यहाँ पे गेम प्ले वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आ चुके हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। भाई यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, तो भाई यहाँ पे आप मैक्स सेटिंग पे रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आपको FPS वैसे 30 FPS ही सपोर्ट करता है रिकॉर्डिंग में, शायद से उतना ज़्यादा FPS नहीं दिए हैं, बट अपडेट के बाद शायद से दे दें, बट अपडेट करेंगे तब। ओके गाइस यहाँ पे और चीज़ों की बात कर ली जाए तो 1080p पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देता है। दूसरी बात ये कि गाइस यहाँ पे जो ये फ़ोन है इसमें गाइस आप देखेंगे जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो ये भाई गेमिंग में 120 FPS पे चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वैसे हमने ऐसे प्ले कर रहा था तो 60 FPS का अप्रॉक्स जा रहा था, बट अभी आप देख सकते हैं आपको 118 बेसिकली इसी पे गाइस ये रह रहा है, तो बहुत ही सही यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग के साथ में FPS प्रोवाइड कर रहा है और भी गेम स्मूथ हो जा रहा है, तो बहुत ही सही है। बाकी गाइस यहाँ पे गेम प्ले देखिए, फिर आपसे मिलते हैं हम एंड में एंड बताते हैं कितना टेम्परेचर गेन किया एंड बैटरी परसेंटेज। Double kill. Double kill. Double kill. सो गाइस फाइनली यहाँ पे गेम प्ले हो चुका है कंप्लीट एंड टेम्परेचर देख सकते हैं 37 के अप्रॉक्स गया है, तो कोई भी हीटिंग इशू नहीं है वैसे, अभी टेम्परेचर भी काफ़ी कूल है इधर का। ओके गाइस वैसे इस फोन में बहुत ही अच्छा गेमिंग हो जाता है एंड टाइम देख सकते हैं 1 घंटे में 18% ही डिक्रीज किया है, तो बैटरी बैकअप भी मस्त प्रोवाइड कर देता है एंड फास्ट चार्जिंग तो है ही। भाई गाइस इस फोन को हम आईफोन से भी कंपेयर करेंगे एंड मी 20 से भी। सो दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।